कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को राजनीति विज्ञान का पाठ 12 भारत के संविधान का निर्माण कराने जा रहा हूँ। चलिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ, सबसे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे ये हमारे भारत के संविधान का मुख्य पृष्ठ है जिसपे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये भारत का एक चिन्ह बना हुआ है, ये आपको दिखाया गया इसके अंदर। अब आगे चलते हैं, नेहरू जी के पिताजी जो हैं आपके मोतीलाल नेहरू, ये आपको दिखाया गया चित्र में, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है जिससे कि ये संविधान बन सका। दूसरा एक और चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें संविधान सभा की बैठक हुई जिसमें सभी ने मिल करके ये संविधान का निर्माण किया गया था, हर एक की अलग अलग भूमिका थी इसके अंदर। ये एक और चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक समिति का कामकाज किया जा रहा है, उनकी अध्यक्षता में ही सारा कुछ ये किया गया था किसको क्या अधिकार देने हैं। ये आपका क्या है, संविधान सभा चर्चाओं की एक रिपोर्ट थी प्रस्तुत की गई थी जो सबने मिलकर के बनाई थी, और उसी के आधार पर जो है इसको दिया गया था, संविधान बनाया गया था। अब यहाँ पर जो दिखाया हुआ, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंपते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी राजेंद्र प्रसाद जी को जो है ये भीमराव अंबेडकर अपना संविधान बना करके सौंप रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज दिखाई दे रही है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना मूल प्रति का चित्र है। ये जो मूल प्रति, पहले तो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, फिर ये मूल प्रति बनाई गई थी, इस मूल प्रति का ये चित्र आपको दिखाया जा रहा है जिससे कि आपको अच्छे से परिचित हो सके कि हमारा संविधान वास्तव में कैसा दिखता है, कैसा बना हुआ है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या कुछ है। तो पहला है ये भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। ध्यान रखना बच्चों, ये पहली लाइन है, तो पहली लाइन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्या चीज है। दूसरा है, देश का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान प्रारूपी सभा का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे, तो इसलिए भीमराव अंबेडकर का सबसे ज्यादा नाम आता है इसमें। संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जिस चुनाव प्रक्रिया में शासन का प्रमुख किसी चुनाव प्रक्रिया से बनता है उसे गणराज्य कहते हैं। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकारों का समावेश है। भारत का संविधान लिखित एवं परिवर्तनशील है, यानी हम कभी भी उसको परिवर्तन कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, यदि जनता चाहे तो। आवश्यकता अनुसार संविधान में समय समय पर संशोधन भी किए जाते हैं। रूस, फ्रांस और अमेरिका के संविधान की अनेक विशेषताएं हमारे संविधान में नहीं थे, मतलब इन सभी संविधानों को इकट्ठा करके अपना संविधान बनाया गया था। चलिए आगे आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले नंबर है, ये भारत के संविधान का निर्माण किसमें हुआ था, संविधान सभा में हुआ था बच्चों, ये वाला आपका ऑप्शन सही है इसमें, यानी इसके द्वारा किया गया। दूसरा नंबर है, भारत का संविधान दिनांक कौन सा दिनांक है, 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ध्यान रखना बच्चों, 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए नंबर तीन में देखिए, हमारे संविधान के अनुसार भारत एक क्या चीज है, लोकतांत्रिक देश है। ये लोकतांत्रिक देश है हमारा, तो ये वाला ऑप्शन सही है इसके अंदर। नीचे वैसे उत्तर लिखे हुए भी है आपके पास, संविधान सभा है 26 जनवरी 1950 है और लोकतांत्रिक है, यहाँ से भी देख के आप लिख सकते हो। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश राज्य हैं, अपने उत्तर की पुष्टि तर्क के साथ कीजिए। देखिए क्या है, ये तो उत्तर है बच्चों, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश राज्य है, क्योंकि राज्य के आवश्यक तथ्य क्या क्या चीजें हैं, भूमि है, जनसंख्या है, सरकार और संप्रभुता, सभी छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश राज्य में विद्यमान है। अगर आपको अपने शाला के लिए एक संविधान बनाना हो तो किस प्रक्रिया से बनाएंगे, अपने स्कूल के लिए क्या उद्देश्य रखेंगे, तो उत्तर है बच्चों ये, सभी छात्र प्रतिनिधि एवं प्राचार्य द्वारा मनोनीत अध्यापकों की सहायता से प्राचार्य के निर्देशन में संविधान बनाएंगे। संविधान के उद्देश्य होंगे, विद्यालय में स्वच्छता, विद्यालय में साधन सुविधा, स्वच्छ पेयजल, समय की पाबंदी, अनुशासन, पाठ्यक्रम निर्धारित समय पर पूर्ण हो, विद्यालय कैलेंडर का अनुसरण हो, परीक्षाफल उत्तम हो।
अब अगला आ रहा प्रश्न आपका, ये स्वतंत्र भारत के संविधान 1900 और 1935 के अधिनियम के में जो है किस तरह के अंतर, इन दोनों में अंतर बताना है। तो ये उत्तर बच्चों ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत के संविधान और 1935 के अधिनियम में अंतर। तो देखिए पहले ये आपका कॉलम क्या है, स्वतंत्र भारत का संविधान है और ये 1935 का अधिनियम। चलिए सबको देखते हैं, पहले नंबर पे आते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार था 18 वर्ष के सभी को और ये सीमित आबादी को ही मताधिकार था। इसमें सभी लोग थे जो 18 वर्ष से अधिक थे और इसमें सीमित थी, इनकी संख्या बहुत सीमित। नंबर दो पे आ जाइए, सभी लोकसभा व प्रांतीय विधानसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव और इसमें क्या होता था, कुछ ही सीटें आरक्षित थी इसमें। नंबर तीन पे आ जाइए, भारत सरकार सर्वप्रभुता संपन्न और यहाँ पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, भारत को तो थी नहीं। नंबर चार है, राज्यपाल राष्ट्रपति लोकसभा वीस के प्रति उत्तरदायी, यानी ये गवर्नर सर्वाधिक सर्वाधिकार संपन्न था, मतलब गवर्नर ही सब कुछ देखने वाला था। नंबर पांच पे आ जाओ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बिना कानून नहीं बन सकता है, ये स्वतंत्र भारत का संविधान में है, लेकिन 1935 में गवर्नर को विधायिका के कानून अमान्य करने की शक्ति थी। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि सार्वभौमिक मताधिकार व प्रत्यक्ष रूप से चुना न चुना गया एक सदन भारत के विभिन्न प्रकार के लोगों की जरूरतों व आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर सकता था? तो उत्तर है, नहीं कर सकता था। प्रश्न है, सभी तरह के लोगों की राय सचमुच लेने के लिए ऐसे सदन को किस तरह के प्रयास करने पड़ते हैं? तो ये उत्तर है, प्रत्यक्ष मतदान करवाना पड़ता। प्रश्न है, इनमें से किसके पास संप्रभुता है और कारण से बताइए? तो उत्तर है, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के लोग, छत्तीसगढ़ की विधानसभा और मुख्यमंत्री। तो उत्तर है बच्चों, संसद के पास संप्रभुता है, इसमें जनता के प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधि आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से समाजवाद के निकट क्या है और क्या नहीं है? तो उत्तर है, भारतीय रेल, कल्लूलाल एंड चंपालाल उत्खनन कंपनी, मनरेगा, सरकारी अस्पताल, ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल, रेशम उत्पादक सहकारी समिति, महिला व पुरुष को समान वेतन। तो उत्तर है इसमें, ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल छोड़ सभी समाजवाद के निकट है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको आप पंथ निरपेक्ष नहीं मानेंगे? तो उत्तर है, ये सरकारी दफ्तर में पूजा पाठ का आयोजन, सती प्रथा व अस्पृश्यता उन्मूलन कानून बनना, राष्ट्रपति किसी धर्म विशेष का ही हो ऐसा कानून बनाना, शहर में धार्मिक जुलूसों पर पाबंदी लगाना, सरकारी नौकरियों में सभी धर्म के लोगों को समान अवसर देना, सरकारी दफ्तरों में सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन, सभी धर्मों का अध्ययन करना, किसी धर्म विशेष के लोगों को अपना घर किराए पर न देना, यह मानना कि मेरा धर्म ही सबसे अच्छा है, अपने धर्म का विविध पालन करना, विविध धर्म के लोगों से दोस्ती करना। तो उत्तर है बच्चों, ध्यान देना इसमें से निम्नलिखित पंथ निरपेक्ष नहीं है कौन कौन। नंबर एक, राष्ट्रपति किसी धर्म विशेष का ही हो ऐसा कानून बनाना। नंबर दो, शहर में धार्मिक जुलूसों पर पाबंदी लगाना। नंबर तीन, किसी धर्म विशेष के लोगों को अपने घर किराए पर न देना। प्रश्न अगला है, मुन्ना एक आदिवासी लड़का है जो पायलट बनना चाहता है लेकिन उसके क्षेत्र में इसके लिए जरूरी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, दूसरे उसे दूर किसी महानगर में जाकर के इसकी शिक्षा हासिल करनी होगी मगर मुन्ना के पास इसके लिए आवश्यक धन नहीं है, क्या यह एक न्यायपूर्ण स्थिति है? अगला है हमारा, तो ये बच्चों ध्यान रखना ये न्यायपूर्ण स्थिति नहीं है, तो ये इसका उत्तर है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, देख लेंगे ढंग से। दूसरा देखते हैं, परमिला और उसके पति दोनों एक कंप्यूटर कंपनी में बड़े पद पर काम करते हैं, जब उनकी बच्ची हुई तो परिवार वालों ने परमिला पर दबाव डाला कि वह अपनी नौकरी छोड़ दे ताकि बच्ची की देखभाल ठीक से हो सके, क्या यह एक न्यायपूर्ण स्थिति है? तो ये भी नहीं है बच्चों। चलिए नंबर अगले पे चलते हैं, हनीफ का विचार है कि लोगों को विदेशी सामान उपयोग नहीं करना चाहिए और केवल स्वदेशी चीजों को ही खरीदना चाहिए,
वह इस विचार को लेखों व भाषणों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है, लेकिन जब भी वह नौकरी के लिए आवेदन करता है उसे यह कहकर लौटा दिया जाता है कि आपके विचार अतिवादी हैं। क्या यह एक न्यायपूर्ण स्थिति है? ये भी नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, इस तरह की चीजें न्यायपूर्ण स्थिति नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, म्यांमार में लंबे समय तक सेना प्रमुख ही राष्ट्रपति बनते थे, क्या यह लोकतांत्रिक था, क्या यह गणराज्य था? तो उत्तर है, म्यांमार में लंबे समय तक सेना प्रमुख ही राष्ट्रपति बनते थे, न तो वहाँ लोकतंत्र था न वह गणराज्य था, क्योंकि लोकतंत्र में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और गणराज्य में जन प्रतिनिधि, प्रथम नागरिक और साधारण नागरिक सभी कानून के समक्ष एक समान होते हैं। यह व्यवस्था पहले म्यांमार में नहीं थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की 40% महिलाएं निरक्षर हैं, इसमें उनकी स्वतंत्रता किस प्रकार प्रभावित होगी? उत्तर है, अपने अधिकारों से अनभिज्ञ होने के कारण शोषण का शिकार होगी, अशिक्षा का दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, लोक रक्षा पार्टी के लोग लाख को शहर में एक आम सभा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सारे सड़कों पर लाउडस्पीकर लगाएं। शहर के थानेदार ने उन्हें अनुमति नहीं दी, क्या यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है? उत्तर है, ये नहीं बच्चों, ध्यान रखना, ये हनन नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं, क्या यह संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध है? तो पहला लेते हैं, मीना गांव की सबसे पढ़ी लिखी महिला है और इस कारण गांव में उसकी सबसे ऊंची प्रतिष्ठा है, ये भी नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। अगला है, ये गांव वालों ने तय किया कि महेश जी गांव के गोटिया परिवार के हैं और इस कारण वे ही शाला समिति के अध्यक्ष बनेंगे, तो ये भी आपका नहीं है। अब देखते हैं नंबर सात पे, सानिया देख नहीं सकती मगर बहुत प्रयास करके बीएड उत्तीर्ण हो गई है, लेकिन कोई स्कूल उसे शिक्षिका की नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि यह दृष्टिबाधित है। तो हाँ है, ये बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, संविधान में मुख्य रूप से किन विषयों को सम्मिलित किया जाता है? उत्तर है, संविधान में शासन व्यवस्था के कानून, आधारभूत नियमों और सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी देश के लिए कानून कौन बनाएगा और कैसे, इसे संविधान में दर्ज करना क्यों जरूरी है? तो उत्तर है, ये किसी भी देश के लिए कानून संसद बनाएगी, संसद कानून बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की सहायता लेगी। कानून संविधान में दर्ज होगा आवश्यक है क्योंकि संविधान में दर्ज होने के बाद उसकी वैधता निश्चित हो जाती है। संविधान में दर्ज एक वैधता के बाद कानून देश में लागू हो सकता है। प्रश्न है, भारत और नेपाल के संविधान निर्माण के संदर्भ में क्या अंतर और समानता है? तो उत्तर है बच्चों, पहले अंतर देख लें, नंबर एक गहन वाद विवाद के बाद संविधान सभा का गठन, नंबर दो प्राचीन व्यवस्था को लेकर मतभेद और नंबर तीन जनता को संदेह और नंबर चार शासन व्यवस्था को लेकर मतभेद। समानता क्या है? संविधान सभा का गठन दोनों देशों में, नंबर दो प्राचीन व्यवस्था का समापन, नंबर तीन लोगों की संविधान पर आस्था और नंबर चार नई व्यवस्था में सबको आस्था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस सीमा तक लोकतांत्रिक था? तो उत्तर है, पहले चुनावी चुनी गई प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों को चुनकर संविधान सभा का गठन किया गया, अर्थात जन प्रतिनिधि ही संविधान सभा में थे, तो संविधान सभा काफी हद तक लोकतांत्रिक मानी जा सकती है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए? तो उत्तर है बच्चों, संविधान सभा के संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं, नंबर एक प्रश्नावली का प्रयोग, नंबर दो समाचार पत्र व आम सभा के द्वारा प्रस्ताव, नंबर तीन विषय विशेषज्ञों की सहायता, नंबर चार संविधान प्रारूप के प्रारूप पर चर्चाएं। प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो उत्तर है बच्चों, ये संविधान उद्देशिका का महत्व, तो नंबर एक जनता की अभिलाषा को पूर्ण करना, नंबर दो हमारे क्रांतिकारियों के सपनों को साकार करना, नंबर तीन राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य को पूर्ण करना, नंबर चार अपने दायित्वों का कुशलता से निर्वाह करना और नंबर पांच शासन की नीतियों को आत्मसात करना।
प्रश्न है अगला, आपको संविधान के मूल सिद्धांतों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण लगा, कारण सहित समझाइए। तो उत्तर है व्यक्ति, तो व्यक्ति की गरिमा ही सबसे ज्यादा है और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता, यह संविधान के मूल सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें देश की गरिमा, एकता और अखंडता को बनाए रखने की भावना निहित है। अगला है सही विकल्प चुनकर के लिखना है आपको, तो चलते हैं जरा सुनने के लिए। नंबर एक है संविधान का निर्माण हुआ, कब हुआ है संविधान का निर्माण, तो ये संविधान सभा द्वारा निर्माण हुआ, तो ध्यान रखना। अगला है नंबर दो, छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता कितना है, तो ये बच्चों 60% है। नंबर तीन है स्वतंत्र भारत का संविधान आधारित है, तो स्वतंत्र भारत का संविधान 1935 के नियम पर आधारित है। अगला चार है ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है, तो ये आपका 18 वर्ष है, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। तो नंबर एक, भारत एक देश है, कैसा देश है, लोकतांत्रिक देश है, तो बच्चों यहाँ लोकतांत्रिक लिखेंगे आप। नंबर दो, देश आजाद हुआ सन में कौन से में हुआ था, 1947 में, तो बच्चों ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। संविधान जो है सन 1950 में लागू हुआ था, क्योंकि बनाने में समय लग गया। नंबर चार है देश में के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता, तो वो है राष्ट्रपति, बिना राष्ट्रपति के कुछ नहीं हो सकता, कानून की असली मोहर देश का राष्ट्रपति ही लगाता है। चलिए आगे चलते हैं, उचित संबंध जोड़िए, तो पहला है ये खंड अ और ये दूसरा है खंड ब। तो पहला है संविधान सभा, संविधान सभा के लिए देखिए ये है लोकतांत्रिक, यानी कि ये जाएगा आपका नंबर एक। दूसरा नंबर आता है संविधान की विशेषता, संविधान की विशेषता ये डी पे जाएगा, राष्ट्रीय एकता है ये इसकी विशेषता है। नंबर तीन है कानून बनाना, कानून बनाना किसका काम है, ये संसद का काम है, ये नंबर कितने पे जाएगा, तीन पर जाएगा। और नंबर चार है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का क्या मतलब है, एक राज्य है ये, तो एक राज्य कौन सा नंबर को जाएगा, चौथे नंबर को जाएगा। अब बच्चा विद्यालय का संविधान विद्यालय के लिए बना हुआ है, तो ये नंबर 5 को जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसका हल कर सकते हैं और इसको याद कर लेंगे, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसलिए इसको भी याद करना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं, ये संविधान निर्माण प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो उत्तर है ये देश की स्वतंत्रता के बाद देश में शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक प्रशासनिक स्वरूप का ढांचा तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया गया, इसी प्रक्रिया को संविधान निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है संविधान निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया गया, तो उत्तर है ये भारत के संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा के द्वारा किया गया। प्रश्न है सन 1935 के अधिनियम में क्या दोष थे, तो उत्तर है ये सन 1935 के अधिनियम में मताधिकार भारत की एक सीमित आबादी केवल 10% लोगों को ही मिले थे। प्रश्न है अगला सन 1942 के आंदोलन का क्या प्रभाव हुआ, तो उत्तर है ये सन 1942 का आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था, इसमें जन सामान्य में अंग्रेजी राज्य के प्रति इतना आक्रोश था कि अंग्रेजी राज्य का चलना असंभव प्रतीत होने लगा। संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो उत्तर है बच्चों 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका संविधान बनाने में कितना समय लगा था, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उत्तर है संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, ये बहुत अच्छे से याद करिएगा, फिर से बताया जा रहा है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है देश के लिए कानून कौन बनाएगा, इसे संविधान में दर्ज करना क्यों आवश्यक है, तो उत्तर है देश के लिए कानून संसद बनाएगी, इसे संविधान में दर्ज करना आवश्यक है, क्योंकि संविधान में दर्ज करने के बाद उसे कानून उसे लागू करने की प्रक्रिया की जा सकती है। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं,
छत्तीसगढ़ में 40% महिलाएं निरक्षर हैं, निरक्षरता का उन पर क्या प्रभाव होगा? तो ये उत्तर है बच्चों, छत्तीसगढ़ में 40% महिलाएं निरक्षर हैं, निरक्षरता के कारण वे अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं, अशिक्षा के कारण वे शोषण का शिकार हो सकती हैं, अशिक्षा के कारण अंधविश्वास, पिछड़ापन, सामाजिक विकास अवरोध सभी का उन्हें सामना करना पड़ता है। प्रश्न है, संसद के पास ही संप्रभुता क्यों है? तो उत्तर है, ये संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। लोकसभा के चुनाव प्रति 5 वर्ष बाद होते हैं, जिनको जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। दूसरे राज्यसभा है, जिसमें राज्य के विधानसभा के चुने प्रतिनिधि भाग लेते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अलग हो जाते हैं, उनके स्थान पर दूसरे चुनकर आते हैं। जन प्रतिनिधियों की सभा होने के कारण संसद के पास ही संप्रभुता है। प्रश्न है, यदि आप अपने विद्यालय के लिए संविधान बनाएंगे तो इस प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होगा? तो उत्तर है, यदि हमें अपने विद्यालय के संविधान बनाना होगा तो छात्र प्रतिनिधि प्राचार्य द्वारा चुने गए या मनोनीत अध्यापक मिलकर प्राचार्य के निर्देशन में संविधान बनाने की प्रक्रिया का निर्धारण करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया? उत्तर है, ये भारत की संविधान सभा का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया। इस संविधान सभा के संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्य किया। नंबर 1, सभी प्रांतों का विधानसभा, विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में प्रश्नावली भेजकर उनकी राय जानने का कार्य किया। नंबर 2, अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार परामर्श समिति की प्रश्नावली को समाचार पत्रों के माध्यम से जनता तक चर्चा के लिए प्रसारित किया गया। नंबर 3, समाचार पत्रों एवं आम सभाओं में प्रश्नों और प्रस्तावों पर चर्चा और विचार विमर्श होता था। नंबर 4 है, प्रत्येक अनुच्छेद पर वाद विवाद विस्तृत रूप से हुआ। नंबर 5 है, प्रत्येक सुझाव पर गंभीरता से विचार कर सहमति और असहमति को गंभीरता से दर्ज किया गया। संविधान बनाने की प्रक्रिया आगे कैसे आगे बढ़ी है ये बताना है। उत्तर है, संविधान निर्माण का कार्य बहुत ही गंभीर से किया गया, यानी गंभीरता से किया गया। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप से आगे बढ़ाया गया, देखते हैं क्या क्या। नंबर 1, राजा महाराजाओं को सन 1947 के बाद धीरे धीरे अपने प्रतिनिधि को संविधान सभा में भेजना प्रारंभ किया। नंबर 2, स्वतंत्रता प्राप्त होने पर संविधान सभा का विशेष अधिवेशन हुआ। नंबर 3, संविधान प्रारूप की समिति बनने के बाद राजे रजवाड़े को भारतीय संघ में सम्मिलित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। नंबर 4, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा निर्धारण किया गया। नंबर 5, 60 देशों के संविधान विशेषज्ञों से संविधान संबंधी प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करवाया गया। नंबर 6, प्रांत की विधानसभा व जन सामान्य की राय भी मानी गई। नंबर 7 है, संविधान में संशोधन एवं सुझाव पर विधिवत तर्क होते रहे। नंबर 8 है, 26 जनवरी को संविधान की 2 पांडुलिपियां तैयार की गई। नंबर 9, सभी सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद संविधान निर्माण पूर्ण हुआ। ये लेसन बच्चों यहीं समाप्त हो रहा है। नीचे आपको ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। आप लोगों को कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट्स करेंगे और नहीं अच्छा लग रहा तब भी कमेंट्स करेंगे। आपके सुपर कमेंट्स भी मिलते हैं तो वो भी करेंगे, उसका तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।